Hey champions, what's up with you? Thank you so much for tuning back into my channel, that is hashtag Vinay's version, and I'm your personal auxiliary, Vinay Panekar, tuning up back with another important video. जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपका ज्योग्राफी का पेपर प्रेजेंटेशन आपको किस तरीके से करना है और आपके 40 और 40 मार्क्स को कैसे लेके आना है. लास्ट वीडियो है, लास्ट पेपर है एंड आपको ज़्यादा एक्साइटमेंट रहेगा, राइट. लास्ट वीडियो आपका ये पेपर प्रेजेंटेशन का है, लास्ट पेपर आपका 10th स्टैंडर्ड का है और एक्साइटमेंट आपका डबल होने का चांसेस क्यों ज़्यादा है, क्योंकि मैं आपको बता दूँ यहाँ पर कि ज्योग्राफी का पेपर हिस्ट्री पेपर से भी ज़्यादा ईजी रहता है, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्टली आपको 24 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव्स ही आता है, ऑब्जेक्टिव्स, मैप क्वेश्चंस एंड ग्राफ क्वेश्चंस. तो किसको 6% डायरेक्टली नहीं चाहिए, राइट. तो यहाँ पे हम लोग मूव ऑन करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट की तरफ कि ज्योग्राफी का पेपर प्रेजेंटेशन कैसे आपको करना है, जिससे आपको डायरेक्टली 40 out of 40 पूरे के पूरे मार्क्स मिल सकते हैं एंड उसी के साथ में किस तरीके से आप पेपर लिखोगे, जिससे आपका प्रेजेंटेशन भी अच्छा दिखेगा, जिससे आपके मार्क्स भी अच्छे होंगे और जिससे आपको ऐसा एक यू नो एक साई ऑफ रिलीफ, पेपर खत्म हो गया मेरा, मैं मजे कर सकता हूँ, आजाद हूँ, ऐसी वाली फीलिंग आनी चाहिए आपको. चलिए शुरू करते हैं पेपर प्रेजेंटेशन को किस तरीके से आपको करना है. सबसे पहले तो आपने आपका सीट नंबर सेंटर नंबर साइन कर दिया. यहाँ पर आपको सब्जेक्ट में लिखना है ज्योग्राफी, पेपर आपका है सोशल साइंस, डेट आपको लिखना है लास्ट पेपर, राइट, एंड लैंग्वेज ऑफ आंसर अगर आप इंग्लिश मीडियम के हो तो आप इंग्लिश लिखना. ऑलराइट, जब आप मूव ऑन करोगे फर्स्ट क्वेश्चन पे, फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट पेज, टीचर दूसरी जॉब का पेपर चेक करने वाली है ये. तो याद रखना, मैंने आपको हर पेपर में एक ही बात बोला है कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन. आपने पहला पेपर ही ऐसा दिखा दिया कि मैंने इतना अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया है, वाह, मैंने डबल लाइनिंग मारा है, मैंने डबल स्केलिंग किया है, मैंने लेफ्ट बॉर्डर, राइट बॉर्डर, टॉप बॉर्डर, बॉटम बॉर्डर, मैंने हर तरफ डबल डबल लाइनिंग करके रखा है, तो आपके मार्क्स आपके हो गए यहाँ पर, समझ में आ गया, डबल होने वाले हैं यहाँ पर, क्योंकि आप यहाँ पर लिखने वाले हो आपके सारे के सारे क्वेश्चंस विद आंसर, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 1 ABCD जो भी रहने वाला है, वो 1 2 3 4 5 6 जो भी रहने वाला है वो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहने वाले हैं, 1 2 3 yes or no, फिर उसके बाद में 4. आपको मेक श्योर करना है कि आप सारे के क्वेश्चंस लिखो, क्वेश्चंस को स्किप मत करना. अगर आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन आएगा तो वहां पे क्वेश्चन मत लिखना, जैसे कि फिल द ब्लैंक्स आया तो आप आंसर भी लिख रहे हो और ऑप्शन के साथ लिख रहे हो आंसर कि ये ऑप्शन बी इसका आंसर है और उसको अंडरलाइन करना अच्छे से. ऑलराइट, एक पेज में एक ही क्वेश्चन लिखना. ऑलराइट, कंजूस से बिल्कुल मत करना क्योंकि आपने पूरे पैसे दिए हैं, राइट. मूव ऑन करना सेकेंड क्वेश्चन की तरफ, तो आप मेक श्योर करो कि आप नेक्स्ट पेज पे लिखते हो उसको अच्छे से, मैच द कॉलम रहेगा तो आप बॉक्स बना रहे हो, राइट आंसर, राइट क्वेश्चन के सामने राइट आंसर लिख रहे हो. और राइट, ऐसे लाइनिंग्स मत मारते बैठना, नीचे ऑप्शन डाल के, आंसर डाल के ऑप्शन मत लिखना, राइट क्वेश्चन के सामने राइट आंसर लिखना. और राइट, दैट बिकम्स वेरी इजी फॉर एग्जामिनर टू चेक इट, एंड जितना आप सामने वाले का काम आसान करोगे उतना वो काम आपको आसान करके देगा, आपको मार्क्स वो बढ़ा के देगा. यस ऑर नो, मूव ऑन करते हैं वो क्वेश्चन जो है ट्रू और फॉल्स, नेम द फॉलोइंग या चूज द करेक्ट ऑप्शन, ऑड मैन आउट. तो वो वहां पर आपको ध्यान रखना है कि आप क्वेश्चन लिख रहे हो और आंसर लिख रहे हो, क्योंकि ज्योग्राफी का पेपर ज्यादा टाइम आपका नहीं लेने वाला है, तो आपको ये बात ध्यान रखना है कि आप आराम से क्वेश्चन को लिख सकते हो, ऑप्शन को भी अटेम्प्ट कर सकते हो. ऑलराइट, यू विल गेट टाइम, यू विल गेट इनफ अमाउंट ऑफ टाइम दैट विल बी स्पेड आउट After writing the paper, in which you can check out your paper, and उसके बाद में आप ये बात ध्यान रखना कि आप पेपर को एक बार चेक कर लोगे तो आप टाइम रहेगा तो ऑप्शन लिख लेना, या तो लगातार फ्लो में भी ऑप्शन लिखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. ऑलराइट, जब आप फोर्थ क्वेश्चन पे आओगे, ये मतलब आपके दिल के अंदर बाग बाग करने वाला क्वेश्चन रहने वाला है ये, क्योंकि आपका फोर्थ क्वेश्चन रहने वाला है मैप के ऊपर. मैप या इंडिया का है या ब्राजील का है, मैंने पूरे वीडियोस बना के रखा है कौन से क्वेश्चंस आने वाले हैं. आप प्लीज़ जाके वीडियो को चेकआउट करना, मेरा पिछले साल के पेपर्स देखना कि क्या क्या आया है उसमें. ऑलराइट, तो इससे आपका सारा काम क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा, आपको आइडिया मिल जाएगा किस तरीके से पेपर को मुझे प्रेजेंट करना है तो मुझे मार्क्स मिलेंगे. यहाँ पर लोगों ने लास्ट टाइम अच्छे तरीके से पेपर्स को देखा था, उन लोगों को कमेंट सेशन में उन लोगों के कमेंट्स देखिए आप
कितने लोग हैप्पी थे क्योंकि सारे जो मैंने क्वेश्चंस बताया था वही सारे क्वेश्चंस आए थे। तो आप प्लीज चैनल के साथ में लगातार बने रहना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करना। चलिए ये हो गया मेरा प्रमोशन, अब करते हैं मुद्दे की बात जो है आप मैप करते हो तो मैप में याद रखना कि अगर आप मैप कर रहे हो तो आप मैप का जो इंडेक्स है पीछे की तरफ बनाओ। ऑलराइट, क्योंकि पीछे की तरफ बनाओगे तो अच्छा रहेगा क्योंकि आप उसमें नंबर भी लिख सकते हो, सिंबल भी लिख सकते हो और आप क्वेश्चन भी लिख सकते हो। ऑलराइट, जैसे कि लार्जेस्ट स्टेट इन इंडिया आया तो लार्जेस्ट स्टेट इन इंडिया कौन सा है, राजस्थान है ना, तो आप पीछे ऐसा लिख सकते हो लार्जेस्ट स्टेट इन इंडिया डैश राजस्थान, क्योंकि आगे की तरफ इतनी जगह नहीं रहती, इतना सा तो इंडेक्स रहता है, उसमें आप क्या क्या लिखोगे। तो आप इंडेक्स को मैप के पीछे बनाना। ऑलराइट, और अच्छे तरीके से मार्क करना, शेडिंग जहाँ पे देना वहाँ पे शेड देना, जहाँ पर आपको कलर करना वहाँ पे कलर करना, जहाँ पे डॉट डालने बोला है वहाँ पर आप डॉट डालना। ऑलराइट, मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो है मैप फाइंडिंग क्वेश्चंस। समझ में आया, वहाँ पर आपको क्या दिया रहेगा, आपको एक मैप दिया रहेगा बना हुआ, या तो आपको वहाँ पर दिया रहेगा एक पर्टिकुलर प्लेस का मैप, या तो कोई आपको वेजिटेशन का मैप दिया रहेगा, पॉपुलेशन का मैप दिया रहेगा। तो आपको क्या करने का, उसको एनालाइज करना है क्रिटिकली, उसको आपको क्या करना है, जज करके आपको उसके क्वेश्चन के आंसर लिखना है। ऑलराइट, उसके बेसिस पे आपको पांच या चार क्वेश्चन पूछे जाएंगे, चारों क्वेश्चन के आंसर लिखना। ऑप्शन अगर आप अटेम्प्ट कर सकते हो तो बेटर रहेगा क्योंकि ऑप्शन के भी आपको मार्क्स मिलेंगे। ऑलराइट, एंड यहाँ पर ध्यान रखना, मैप जब आप देखते हो क्वेश्चन पेपर में और उसका आंसर लिखते हो तो सारे के सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको डायरेक्टली मैप में नहीं मिलेंगे, तो थोड़ा आपको ध्यान रखना है कि आप घर पे से ज्योग्राफी के बुक में से मैप देख के जाओ और अपने नॉलेज को थोड़ा सा एनरिच करके जाओ। तो उससे क्या होगा कि द बॉल विल बी इन योर कोर्ट एंड यू विल बी इजीली एबल टू यू नो आइडेंटिफाई एवरी आंसर इजीली एंड दैट विल मेक योर वर्क इजी पीजी लेमन स्क्वीजी माय फेवरेट। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 5-4 रहने वाला है गिव रीजन। ओ माय गॉड, लेट मी टेल यू हाउ टू डू दिस गिव रीजन वाला पार्ट। यू नीड टू मेक श्योर दैट यू राइट डाउन गिव रीजन इन अ वेरी फ्लैम्बॉयंट मैनर। हाउ विल यू डू दैट, लेट मी टेल यू। गिव रीजन 9 चैप्टर है, 9 चैप्टर में से मेक श्योर करना कि लिमिटेड चैप्टर के आप गिव रीजन पढ़ो और उसमें से गिव रीजन डेफिनेटली पॉप अप करेंगे एग्जाम के क्वेश्चन पेपर में। एंड वो करते हैं तो आपको जरूरी नहीं है कि जो गिव रीजन का क्वेश्चन है उसके ही रिलेटेबल में आंसर लिखना। अगर आप लिख रहे हो तो वेल गुड इनफ, बट अगर आप नहीं लिख पा रहे हो, ऐसा क्वेश्चन आया जिसके बारे में आपने पढ़ा नहीं है, तो आपको उस चैप्टर का जो नॉलेज है आप वहाँ पे पुट डाउन करिए। जब मैंने 10th में एग्जाम दिया था ज्योग्राफी का, आई वॉज सो क्लूलेस, मेरे को लगा यार मैं तो फेल ही हो जाऊंगा क्योंकि मेरा पेपर बहुत ही बकवास गया था ज्योग्राफी का। एंड आई वॉज रिग्रेटिंग होल टाइम, आई यूज टू गेट ड्रीम कि यार मैंने यार आज रात में सपना आ गया कि पेपर में फेल हो रहा है एंड ऑल दैट स्टफ। बट व्हेन द रिजल्ट टर्न आउट आई गॉट 95 मार्क्स आउट ऑफ 100 इन सोशल साइंस एंड आई वॉज सो फ्लैबगास्टेड जस्ट बिकॉज आई जस्ट थॉट कि हाउ कैन दिस कैन बी पॉसिबल, ये कैसे हो सकता है। पर मुझे याद है मेरी वो बात कि जब मेरा ज्योग्राफी का पेपर था मैंने वो सारी की सारी चीज लिखा था पेपर के क्वेश्चंस में आंसर्स में, जहां पर जो जो मैंने पढ़ा था वो मैंने उसमें लिख के आया था और मुझे लगता है कि सामने वाले ने मुझे उसी बेसिस पे मार्क दिया है। ऑलराइट, तो मैं भी आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, मेरी राइटिंग अच्छी थी, मेरा प्रेजेंटेशन अच्छा था, मेरा जो भी नॉलेज था मैंने वो इनपुट किया और ये 3 चीज को मेरे को पेपर में पुट डाउन करने के वजह से इतने ग्रेसी मार्क्स मिले हैं जो कि 95 मार्क्स थे, मेरा हाईएस्ट मार्क्स था 10th स्टैंडर्ड में। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी अपना जो बेस्ट कॉलेज है ना वो पेपर में पुट डाउन करना, जिससे आपको भी मिलेंगे चीजी मार्क्स। ऑलराइट, मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गिव रीजन से मेरे को एक बात आपको और एक बताने का है कि गिव रीजन के इंपॉर्टेंट वर्ड्स को प्लीज आप पेंसिल और स्केल से हाईलाइट करना क्योंकि इससे भी आपका प्रेजेंटेशन बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, वो है 6A। 6A होने वाला है आपका ग्राफिकल क्वेश्चन। ग्राफ पेपर आपको सामने से प्रोवाइड किया जाएगा, मैप भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा, आपको घर पे से लेके जाने की जरूरत नहीं है, ग्राफ बुक फाड़ के लोगों को ग्राफ बांटने की जरूरत नहीं है जैसे आप स्कूल या कॉलेज या ट्यूशन में करते होगे।
ऑलराइट, तो यहाँ पर मेक श्योर करना कि जब आप ग्राफ का क्वेश्चन लिख रहे हो तो ग्राफ का क्वेश्चन ग्राफ पेपर में ही लिखना, ग्राफ का सोल्यूशन भी ग्राफ पेपर में ही करना. इज इट क्लियर? एंड मेन शीट में मेंशन करना क्वेश्चन नंबर 6A डन इन ग्राफ पेपर. ऑलराइट, क्योंकि वो एक सप्लीमेंट होता है, क्या पता आपका सप्लीमेंट गलती से घूम जाए तो, बट एक अटेस्टेड यू नो एक यहाँ पर प्रूफ रहेगा आपके क्वेश्चन पेपर को आंसर शीट में कि आपने वहाँ पर लिखा है कि डन इन ग्राफ पेपर. सामने वाले को इतना तसल्ली होगी कि आपने ग्राफ किया है. ऑलराइट, आई रियली होप, आई प्रे टू गॉड कि आपके साथ में ऐसा सप्लीमेंट वाला कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो, बट इफ इन केस होता है तो यू हैव टू मूव टू अ सेफर साइड. इन दैट केस यू विल राइट डाउन दैट डन इन ग्राफ पेपर या क्वेश्चन नंबर 4A डन इन मैप. इज इट क्लियर? चलिए मूव ऑन करते हैं. क्वेश्चन नंबर 6A जो आपका रहने वाला है ग्राफ का, वो आपको ध्यान रखना है कि आप ग्राफ अच्छे से बनाओ, लाइन ग्राफ हो या बार ग्राफ हो, आप मेंशन करो, स्केल लिखो उसका, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बराबर से लिखो, उसमें आप बिल्डिंग्स अच्छे से बनाओ. लाइन ग्राफ है तो आराम से उसको सेंटर से चालू करो, डॉट्स उसके बराबर प्लेस करो, एंड उसी के साथ में आप लिखो वहाँ पर कि आपने क्या मेंशन किया है एक्स एक्सिस पे, क्या मेंशन किया है वाई एक्सिस पे. ऑलराइट, आई होप आपको ग्राफ का भी नॉलेज पूरा क्लियर हो गया रहेगा. ओके, ग्राफ 4 मार्क के लिए आने वाला है, 4 मार्क आपके हैं. ऑलराइट, तो आपको बेस्ट करना है अपना. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6B. ये ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन क्वेश्चन रहेगा. या तो आप क्वेश्चन नंबर 6A कर सकते हो या तो क्वेश्चन नंबर 6B कर सकते हो. मैं तो आपको बोलूँगा कि जो आपको ईजी लगता है वो करिए. मैं ये नहीं बोलूँगा कि आपको क्वेश्चन नंबर 6B ईजी लगना ईजी रहता है वही करो, या तो ग्राफ ईजी रहता है वही करो. आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्या पता आपको लाइन ग्राफ नहीं आता हो पर आपको क्वेश्चन नंबर 6B के आंसर अच्छे से आते हो, तो आप वो भी करिए. 5, दोनों के दोनों अटेम्प्ट करेंगे तो बेटर रहेगा, क्योंकि आपको किस में ज्यादा मार्क्स मिलेगा वो आपको भी नहीं पता. तो यहाँ पर आई टेल यू कि अगर आपके पास टाइम बचता है तो क्वेश्चन नंबर 6A भी करना ग्राफ पेपर में और क्वेश्चन नंबर 6B भी करना आंसर शीट में. ऑलराइट, ओके, क्वेश्चन नंबर 6B जो ग्राफ को देख के आपको आंसर करना है वो आपको ग्राफ पेपर में नहीं आंसर शीट में करना है. मैं रिपीट कर रहा हूँ. ऑलराइट, ओके, वन मोर टाइम, द नेक्स्ट क्वेश्चन, द लास्ट एंड द फाइनल क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव ऑन कर रहे हैं, वो है कि डिटेल में आंसर्स लिखना है आपको. गिव डिटेल आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस. क्वेश्चन नंबर 7 जब आपको आएगा, ये बात ध्यान रखिए, मैं आपको एक खुफिया बात बता रहा हूँ. आपको यहाँ पर मेक श्योर करना है कि एक क्वेश्चन तो फील्ड विजिट चैप्टर में से आना पक्का है. मतलब अगर आपने अब तक फील्ड विजिट चैप्टर के गिव रीजंस, डिटेल्स, शॉर्ट नोट्स नहीं पढ़े हैं तो अभी भी आपके पास टाइम है कि प्लीज पढ़ लीजिए, क्योंकि उसमें से क्वेश्चन तो आना पक्का ही है भाई. ऑलराइट, तो आपने एक डिटेल पढ़ लिया जो आने वाला है किसमें से, यस, किसमें से आने वाला है, फील्ड विजिट चैप्टर में से. एंड दूसरा डिटेल आपको कहां से भी आए, आपको क्या करना है, आपको आंसर को इस तरीके से लिखना है जिसमें आप मैप बना सको. ऑलराइट, एक मैप लेके जाना, आप मैप लेके जाना. आपको एग्जाम में क्या करना है, मैप और मैप की स्टेंसिल्स लेके जाना है. अगर मैप की स्टेंसिल्स आपके पास अवेलेबल है ब्राजील और इंडिया की, तो आप क्या कर सकते हो, जैसे कि समझ लो क्वेश्चन आया, इंफॉर्मेशन, गिव डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट द कोस्टल रीजन ऑफ ब्राजील एंड इंडिया. तो आपने इंडिया के कोस्टल रीजन को स्टेंसिल बना के क्या कर दिया, शेडिंग कर दिया. ब्राजील के कोस्टल रीजन को आपने क्या कर दिया, शेडिंग कर दिया. यस और नो, तो इससे क्या हो गया, आपको मार्क्स मिल गए. सामने वाले एग्जामिनर को लगेगा यार इसको तो आंसर ही नहीं, इसको डिटेल ज्योग्राफिकल एनालिसिस भी पता है कि कहाँ पे कोस्टल रीजन है इंडिया के, ब्राजील का कोस्टल रीजन कहाँ पर है. यस और नो, तो यहाँ पर आपको ग्रेस मार्क्स मिल जाते हैं एंड आपका डिटेल का जो आंसर रहता है जो दूसरा रहेगा, पहला तो फील्ड विजिट से आएगा, दूसरा कहाँ से आने वाला है, यस, इसमें से आने वाला है, कोई भी चैप्टर्स में से. तो आप मैप लेके जाके मैप के थ्रू उसको प्रेजेंट करना. इस तरीके से 40 मार्क्स आपके हुए. मुझे लगता है कि आपको वीडियो पूरा याद होगा, इजीली समझ में आ रहेगा. कोई भी क्वेरीज रहेगी, कोई भी डाउट्स रहेगी, instagram@vinaypanikar पे जाके डेफिनेटली पूछना, नीचे कमेंट सेशन पे भी जाके पूछ सकते हो. एंड इसी के साथ में मेरे ये वीडियो को प्लीज लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, एंड ऑल्सो मेक श्योर दैट इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब माई चैनल, आपको इंपॉर्टेंस नहीं मिलेगी, आपको मालूम नहीं पड़ेगा कि चैप्टर किस तरीके से पढ़ना है. तो मैं आपको सारे इंपॉर्टेंस यहाँ पे बताने वाला हूँ. कॉमेंट सेशन में जाके देखिए हाउ गुड माई वीडियो वॉज लास्ट ईयर, हाउ इम्पॉर्टेंट इज दिस वीडियो फॉर यू ऑल्सो राइट नाउ.
तो ऑल्सो शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, आपके फ्रेंड्स को भी बताइए, आप किसी की मदद करोगे ऊपर वाला आपकी ज्यादा मदद करेगा। तो ये वीडियो को शेयर करिए एंड थैंक यू वेरी मच एंड विल मीट फॉर द वेरी नेक्स्ट टाइम। ऑल द बेस्ट, कीप रॉकिंग, थैंक्स।